अखिल भाई टीवीएस की हलचल, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, इंडिया में जब भी हम ट्रेन में सफर करते हैं किसी टूरिस्ट प्लेस पर जाने के लिए, तो हमारा एक ही कोशिश होती है कि हम ज्यादा से ज्यादा रिलैक्स करते हुए जाएं, ताकि एकदम फ्रेश हों और इन टूरिस्ट प्लेसेस पर पहुंच करके आराम से घूम फिर करके मजे करके आ सकें। लेकिन दोस्तों, आज YT भारत पर मैं आपको ऐसे 5 ट्रेन के रूट्स बताने जा रहा हूं जो अपने आप में पर्यटन है, जो अपने आप में टूरिज्म है। एक से एक टूरिस्ट प्लेसेस आपको रास्ते में देखने को आएंगे, आप पूरी तरह से एंजॉय करते हुए जा सकते हैं और ऐसी ये यात्रा होने वाली है जो पूरी लाइफ टाइम आपके मेमोरी में स्टोर होकर के रह जाएगी और बार बार मन करेगा आपको इन टूरिस्ट प्लेसेस पर जाने का इन ट्रेन्स के थ्रू। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो इन 5 ट्रेन रूट्स के बारे में। लेकिन इससे पहले दोस्तों, अगर आपने YT भारत चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे देखिए रेड रंग का सब्सक्राइब बटन आ रहा है, अभी जाकर के क्लिक करें। साथ में लगे बेल आइकन को दबाएं, ऑल को सेलेक्ट करें, ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट तुरंत मिलती रहे। इसके साथ साथ ytbharat.com मेरी वेबसाइट पर जाइए और जाकर के सर्च करिए बहुत सारे टूरिज्म से जुड़े हुए वीडियोस को। इसके साथ साथ अगर आप YT भारत ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐप का लिंक दे दिया है, जाइए डाउनलोड करिए YT भारत ऐप को। इसके बाद मैंने अपना एक और टेक्नोलॉजी वाला चैनल YouTube पर स्टार्ट कर दिया है, टेक ट्रॉक YouTube चैनल को जाइए, जा करके सर्च करिए और देख लीजिए टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए अपडेटेड बहुत सारे लेटेस्ट वीडियो। तो चलिए देर नहीं करते हैं, चलते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सफर पर इन ट्रेन्स का। आइए अपने लैपटॉप की स्क्रीन में आपको लेकर के चलते हैं, आइए दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आपको लेकर के आ गया हूं लैपटॉप की स्क्रीन में और इंडिया की 5 सबसे अच्छी ट्रेन यात्राएं जो अपने आप में पूरा पर्यटन है के बारे में संपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। पूरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा, एक भी स्क्रीन आपको छोड़ करके नहीं जानी है। अब चलते हैं, आपको सबसे पहले नंबर पर बताते हैं बेंगलुरु कन्याकुमारी आइलैंड एक्सप्रेस, जो 20 घंटे में हजारों रोमांचकारी दृश्य जो आपका मन मोह लेंगे आपको दिखाती है। यह दक्षिण भारत के दूसरे परिदृश्य में एक बहुत ही अद्भुत यात्रा है, जिसमें बहुत ही सुंदर आकर्षक गांव, पेड़ पौधे, घास के मैदान, जलाशय आदि हैं, जो कि बेंगलुरु से कन्याकुमारी तक पूरी तरह से फैले हुए हैं। आइलैंड एक्सप्रेस 19.5 घंटे में 944 किलोमीटर की यात्रा तय करती है और आपको मालगुड़ी देश की धरती पर भी ले जाती है। नंबर 2 पर है मेलुटू पालयम ऊटी ट्रेन रूट, यह रेल यात्रा अपने आप ही में पूरा टूरिस्ट कैंप है। ऊटी जो 1908 से नीलगिरी पैसेंजर चला रहा है, जो कि अभी भी भाप इंजन से ही चलती है, जो कि मेलुटा पालयम से ऊटी जाती है। जैसे ही ट्रेन नीलगिरी पहाड़ पर चढ़ती है, मोटे देवदार, शाह बलूच, नीलगिरी के जंगल, झुकाव व टेढ़े मेढ़े सुरंगें सभी एशिया की सबसे खड़ी चट्टान के साथ साथ चलती हैं। एशिया के सबसे खड़ी चट्टान का ढाल जो 8.33% है, नीलगिरी पैसेंजर 26 किलोमीटर का सफर 5 घंटे में पूरा करती है। ये केलार, एड्रेली, हिलग्रो, कटरी, रुत्री मेदे, लवडेल आदि रेलवे स्टेशन पर रुकती है। अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रेन के बारे में आपको बताना चालू करते हैं, मुंबई गोवा रेल यात्रा। प्राकृतिक नज़ारे पसंद करने वालों के लिए एक अद्भुत पर्यटन, मुंबई से गोवा की यह यात्रा सह्याद्री की ओर जाने वाले और अरब सागर के किनारे को विभाजित करती है। यह पूरा रास्ता बहुत ही सुंदर प्राकृतिक परिदृश्यों, सुरंगों की श्रेणियों, पुलों, तटीय परिधीय क्षेत्र, पश्चिमी घाट के चरण, असंख्य छोटी नदियों, मौसमी धारा वे हरे भरे घास के मैदानों से भरा हुआ है। इस यात्रा का समय है 14 आवर्स। इस यात्रा पर आपको दूध सागर के भव्य दृश्यों को देखने का आनंद भी मिलने वाला है। अब नेक्स्ट यात्रा पर चलते हैं, माथेरान नेरल घाट और बीहड़ के ऐसे नज़ारे कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे। माथेरान से नेरल के बीच जाने वाला यह एक संकरा रास्ता है, जो कि भारत के सबसे अच्छे ट्रेन रूट्स में से एक है। यह घाट के बीहड़ इलाकों से निकला हुआ एक रास्ता है, जो कि अत्यधिक संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करता है। यह महाराष्ट्र सरकार की धरोहर है। यह यात्रा का समय 2 घंटे है और इन 2 घंटों की यात्रा आपको एक ऐसा आनंद दिलाएगी जो कभी आप नहीं भूल पाएंगे। अब चलते हैं लास्ट ट्रेन रूट पर, जो कि है जम्मू मेल द्वारा उधमपुर से जम्मू तक की यात्रा। बर्फ की पहाड़ियों के बीच चलती ट्रेन का आनंद लेने के लिए आपको जम्मू मेल से यात्रा करनी होगी। यह ट्रेन जम्मू से उधमपुर तक की यात्रा शानदार वादियों का अनुभव प्रदान करती है। यह यात्रा हमें इंजीनियरिंग प्रगति की ऊंचाई के साथ साथ
माँ प्रकृति की सुंदरता के साथ साथ रास्ते में भी ले जाती है। यह ट्रेन महान शिवालिक पर्वत श्रृंखला, खड़ी घाटियों और कुछ गर्मी वाले राइवों के चट्टानी हिस्सों में से एक है। सुरंगों और पुलों की भव्यता इस क्षेत्र के कुछ लुभावनी विचार देती है। बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच चलती ट्रेन आपको बेहद रोमांचित कर देगी। आपको इस यात्रा का लुत्फ एक बार अपने जीवन काल में अवश्य उठाना चाहिए। भारत में कई सुंदर रेलवे मार्ग हैं और जल्द ही कोरोना काल के समाप्त होने पर आपको इन रेलवे मार्ग पर जाना चाहिए, ताकि आप भारत की असली सुंदरता, जंगलों, नदियों, झरनों, पहाड़ों, समुद्रों का असली आनंद प्राप्त कर सकें। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह के अगले बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक आप बने रहिए YT भारत चैनल पर, और पुराने वीडियोस को देखने के लिए आज ही YouTube पर जाकर के YT भारत को सर्च करें, और डिस्क्रिप्शन में जाकर के चैनल का लिंक, हमारी वेबसाइट का लिंक, हमारी ऐप का लिंक और दूसरे चैनल का लिंक पे क्लिक करके जरूर सर्च करें। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। We'll be right back.